नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित। स्वागत है आप सबका इस डिफेंस सेगमेंट में। और इस डिफेंस सेगमेंट में हम बात करने वाले हैं एक नई डिफेंस टेक्नोलॉजी के रेवोल्यूशन के बारे में। तो जी हाँ दोस्तों, डिफेंस और एयरस्पेस सेक्टर में एक नई टेक्नोलॉजी सामने आ रही है जिसे डेवलप करने का दावा बीएई सिस्टम ने किया है। और बीएई सिस्टम का मानना है कि उनके द्वारा डेवलप किया जाने वाला मैग्नम यूएवी जो कि अपने साथ एक नई टेक्नोलॉजी लेके आ रहा है, और इस टेक्नोलॉजी की हेल्प से किसी भी यूएवी या फिर एयरक्राफ्ट को फ्लाई करने के लिए जो कॉम्प्लेक्स मूवेबल फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम्स होते हैं, जैसे कि आप अभी इस पिक्चर में देख रहे होंगे, ऑनबोर्ड एलरॉन, फ्लाइट स्पॉयलर्स, इनबोर्ड एलरॉन, एंटी बैलेंस टैब, एलिवेटर टैब, फ्लाइट कंट्रोल स्पॉयलर्स, तो इस तरह के जितने भी पार्ट्स किसी भी एयरक्राफ्ट या फिर फाइटर जेट में लगे होते हैं जो कि हेल्प करते हैं उस एयरक्राफ्ट को बैलेंस करने में और अपने मूवेबल कंपोनेंट के द्वारा फ्लाइट को या फिर फाइटर जेट को कंट्रोल करने में, तो उस चीज को कम्प्लीटली एलिमिनेट करने का दावा कर रही है बीएई सिस्टम। और उनका मानना यह है कि एक नई टेक्नोलॉजी से जिसके अंतर्गत ब्लोन एयर का यूज करके इन सभी मूवेबल फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम को एलिमिनेट किया जा सकेगा और ब्लोन एयर का यूज करके ही किसी भी एयरक्राफ्ट को कंट्रोल किया जा सकेगा। तो आइए जानते हैं इसको और नज़दीक से। तो बेसिकली जैसा कि आप सब जानते होंगे, हमने अपने प्रीवियस वीडियो में भी बात की है कई बार, कि किसी भी इंजन में एक बाईपास एयर दिया जाता है जिसके अंतर्गत एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एयर को बाईपास किया जाता है इंजन के मेन फ्रेम से, और वो एयर इससे पहले नोजल को जाके कूल करता था। लेकिन अब उन्होंने क्या किया है कि उसी एयर में से, उसी सुपरसोनिक एयर में से कुछ एयर डिवाइड करके उसे एयरक्राफ्ट के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट पे डिस्ट्रीब्यूट किया है। जैसे कि आप अभी इस पिक्चर में देख रहे होंगे, जो ये आपको दो स्काई ब्लू कलर के विंग सर्कुलेशन कंट्रोल सिस्टम दिख रहे हैं, इसमें भी उस ब्लेड एयर की एंट्री हो रही है जो कि इंजन से डिस्ट्रीब्यूट होकर आ रही है। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक ग्रीन सेक्शन जो कि इस एयरक्राफ्ट का आउटलेट है, तो यहाँ पे भी एक छोटा सा सेक्शन देके नीचे की तरफ से, जैसे कि आप देख रहे होंगे इस सर्कुलर इमेज में, कि एक नीचे की तरफ से एक छोटा सेक्शन दिया गया है जिसके थ्रू भी वही ब्लीड ऑफ एयर जो कि इंजन से आ रहा था उसको यहाँ से भी एंट्री दी जाएगी, और जिसका परिणाम होगा कि इस एयरक्राफ्ट को कंट्रोल किया जा सकेगा। तो जैसे ही वो डिस्ट्रीब्यूटेड एयर जो कि इंजन की तरफ से आ रही होगी वो विंग सर्कुलेशन कंट्रोल की तरफ जाएगी, तो उसकी डायरेक्शन चेंज करके इस एयरक्राफ्ट को टर्न कराया जाएगा या फिर इसकी गति को कंट्रोल किया जाएगा। और दूसरी तरफ अगर बात करते हैं इसमें दिए गए एक कर्व सरफेस की जो कि इसके इंजन के आउटलेट पर दिया गया है नोजल की तरफ, तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है कि यहाँ पे जो जेट आ रही है एक सीधे डायरेक्शन में, क्योंकि जैसा कि आप सब जानते होंगे कि कोई भी जेट जो फ्लो करती है नोजल से बाहर निकलती है वो बहुत ही रफ्तार में बाहर निकलती है, तो उस चीज़ को यहाँ पे कंट्रोल किया गया है उसके पिच एक्सिस को चेंज करके। तो इसको और अच्छे से जानने के लिए आइए थोड़ा सा यूज़ करते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स का। तो यहाँ पे बेसिकली फाइटर जेट के फ्लाइट कंट्रोल्स को कंट्रोल करने के लिए किसी भी ब्लीड ऑफ एयर के थ्रू तो तीन मोड दिए गए हैं। तो पहला मोड आपका है फुली अटैच्ड एयर फ्लो, जिसके अंतर्गत जो नोजल में दिया गया कर्व सरफेस है और उसमें एक जो फिटिंग की गई है इंजन से आ रहे एयर को यूज करने के लिए नीचे से फिटिंग की गई है, जैसा कि आपको अभी दिख रहा होगा। तो इस पहले कंट्रोल मोड में, जिसे फुली अटैच कंट्रोल मोड बताया जा रहा है, तो इसमें वो किसी भी तरह का कोई भी चेंज नहीं कर रहे हैं। तो इसका परिणाम क्या होगा कि जो एयर होगा वो कर्व सरफेस के विसिनिटी, मतलब उसको एज ए रेफरेंस लेयर बना के फ्लो करेगा, और जिसका परिणाम ये होगा कि जो एयरक्राफ्ट का नोज है वो नीचे जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एयर को ऑलरेडी कर्व सरफेस दिया गया है, तो इसका परिणाम ये होगा कि वो नीचे जाएगा। तो अब इसको ऊपर करने के लिए क्या किया जा सकता है, तो अब इसको ऊपर करने के लिए अब जो हमने एक सेक्शन प्रोवाइड किया है नीचे से ब्लीड ऑफ एयर का, तो वहां से एयर ब्लो की जाएगी, और जो वहां से एयर ब्लो की जाएगी वो अपने फुल थ्रॉटल मोड में ब्लो नहीं की जाएगी, एक मॉडरेट अमाउंट में ब्लो की जाएगी एयर को, जिसका परिणाम ये होगा कि कुछ एयर तो इसके जो कर्व सरफेस है उसको छोड़ के निकल जाएंगे और कुछ इसके कर्व सरफेस से लगे रहेंगे, और जिसके रिजल्टेंट के रूप में पार्शियली डिटैच फ्लो के हेल्प से हमारा एयरक्राफ्ट एक स्ट्रेट डायरेक्शन मूव करेगा। और इससे पहले जैसे कि हमने बात की थी फुली अटैच फ्लो में वो हमारा नोज नीचे जा रहा था, तो यहाँ पे अगर हम पार्शियल यूज करें ब्लीड एयर का तो वो स्टेबलाइज रहेगा एयरक्राफ्ट और सीधे डायरेक्शन में जाएगा, ना नोज ऊपर जाएगा ना नोज नीचे जाएगा, तो यहाँ पे ये एक सीधे डायरेक्शन में रहेगा। अब बात करते हैं अगर नोज को आपको ऊपर ले जाना है, तो इसमें दिए गए जो ब्लीड एयर की एंट्री है तो वहाँ से जो उसका थ्रोटल है वो हम मैक्सिमम खोल देंगे, और जिसका परिणाम ये होगा कि एयर का कोई भी हिस्सा जो कि इंजन की तरफ से नोजल की तरफ आ रहा होगा वो इस दिए गए कर्व सरफेस पे अटैच नहीं होगा, वो कम्प्लीटली सरफेस को इग्नोर करके निकल जाएगा, और जिसका परिणाम ये होगा आपका जो एयरक्राफ्ट का नोज है वो अप हो जाएगा क्योंकि वो कर्व सरफेस से अटैच्ड नहीं है। और इस मोड को बताया गया है फुली अटैच्ड फ्लो सिस्टम। तो ये बेसिकली इसके पांच मोड दिए गए हैं, तीन एंट्री खोल के ब्लीड ऑफ एयर की, और जिसकी हेल्प से किसी भी फाइटर जेट या फिर यूएवी को कंट्रोल किया जा रहा है, और ऐसा दावा किया है बीएई सिस्टम ने। अगर ये एयरक्राफ्ट अपने एक्सटेंसिव ट्रायल्स में और भी अच्छा परफॉर्म करता है तो ये एक तरह का रेवोल्यूशन होगा एयरस्पेस मैन्युफैक्चरिंग के लिहाज से, क्योंकि इस तरह की टेक्नोलॉजी के आ जाने से जो एयरक्राफ्ट की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है
टाइम है, डिजाइन है और जो वेट है, इन सभी को कंट्रोल किया जा सकेगा फ्यूचर के एयरक्राफ्ट में। तो ऑल इन ऑल यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि ये एक रेवोल्यूशनरी सब्जेक्ट है और टेक्नोलॉजी है। तो इस बारे में आप लोगों के क्या थॉट्स हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी कि बस लाइक, डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब। जय हिंद।